नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं सिंपल ट्रेडिंग विद सोनू के साथ। क्या वाकई में आपको लगता है क्या जो भी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करके लॉस किया है, चाहे 1 लाख रुपए का, चाहे 10 लाख का, चाहे 20 लाख का, चाहे 25 लाख का, क्या वाकई में आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हो क्या? देखो यार, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब मैं YouTube के ऊपर जब मैं रात के समय लाइव आता हूं तो आपको वहां पे कई सारे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन लोगों ने, जो मैं अभी आपको रूल बताने वाला हूं, ये रूल को फॉलो करके उन लोगों ने अपना 32 लाख का भी लॉस रिकवर किया। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने 18 लाख का लॉस रिकवर किया, किसी ने 8 लाख का लॉस रिकवर किया, 2 लाख 4 लाख वाले ऐसे कई सारे लोग आपको दिखाई देते हैं जिन लोगों ने ये वाले रूल को फॉलो करके अपना सारा का सारा लॉस यहां पे रिकवर किया। और जब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैं लाइव आता हूं तो वहां पे मैं 1-to-1 बात करता हूं, वहां पे मतलब कोई भी बंदा आता है मैं उनसे बात करता हूं, उनसे पूछता हूं भाई ये वाले रूल को आप कब से फॉलो कर रहे हो, तो फ्री आपको मैं बताने वाला हूं और ये आपकी जितनी भी आपकी ट्रेडिंग लाइफ है पूरी पूरी यहां पे लाइफ चेंज करने वाला है। तो आपने इंस्टाग्राम पे कई बार देखा होगा कि कई सारे लोगों ने अपने 3-4 महीनों के अंदर ही अपना 8 लाख रुपए का जो लॉस है वो भी वहां पे रिकवर किया। भाई रूल काफी सिंपल है, लेकिन ये रूल केवल वही लोग फॉलो कर सकते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर एक अनुशासन की जिंदगी जी रहे हैं। एक जो है फुटपाथ पे जो बंदा सो रहा है और आपके अंदर कोई फर्क नहीं आ, अगर आपको अपने सपने पूरे नहीं करने तो आप भाई कुछ नहीं कर सकते हो। आप रात को सो रहे 2 बजे, सुबह मतलब आपको उठ रहे 12 बजे, तो आपका जो लाइफ है वो मतलब ठीक नहीं चल रहा है, तो आप ये वाला रूल फॉलो नहीं कर पाओगे। ये वाला रूल ओनली फॉर वही फॉलो कर सकता है जिसको सीखने की लगन है, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके कुछ सपने बड़े, वही ये वाला रूल फॉलो कर पाएगा। वरना भाई आप लोग यहां से जा सकते हो, यहां पे मुझे कचरे की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं। जो सीखना चाहता है, जिसको लगन है कि नहीं यार मुझे ये वाली चीज सीखने, तो वही लोग ये वाला वीडियो देखना। तो अब मैं बात करता हूं आप किस प्रकार अपना लॉस रिकवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अगर आपको बड़ा फंड की आपको आवश्यकता नहीं, अगर आपको 10 लाख 12 लाख 5 लाख 3 लाख रुपए का मार्केट में लॉस हुआ, ठीक है, तो बड़ा कैपिटल आपको मतलब रिकवर करना है तो बड़े कैपिटल की आपको आवश्यकता नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, अगर मान के चले किसी के पास 4-5 लाख रुपए थे, वो उसका मार्केट में लॉस हो चुका है, तो वो फटाफट क्या करेगा, बैंक जाएगा, बैंक के पास जाके अपना लोन आएगा लेके, 2 लाख का 3 लाख का लोन आएगा लेके, और लोन वाला पैसे से वापस वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा और सारा सारा पैसा उसका फिर से वहां पे जीरो हो जाता है। मतलब वो अपना 2 लाख रुपए का लॉस रिकवर करने के लिए 4 लाख रुपए लेके आता है और अभी उसका जो टोटल लॉस है वो हो चुका है यहाँ पे 6 लाख रुपए। तो ये गलती अगर आप भी करे हो तो अभी से भाई रुक जाओ, आप स्टॉप लगा दो। आप लोग अभी आपके पास कितना भी कैपिटल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको कैपिटल यूज करना ओनली फॉर 30,000 रुपए का। आपको ओनली फॉर कैपिटल कितना यूज करना है, ओनली फॉर आपको 30,000 का जो कैपिटल है वो आपको यूज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, 30,000 का जो कैपिटल है आने वाले 200 दिन तक आपको यूज करना है और हर दिन आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट बुक करना है। एक प्रॉपर सेटअप के साथ आपको काम करना है। अगर अभी तक अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो जितना जल्दी हो सके भाई आपको अपना सेटअप बनाना पड़ेगा और सेटअप के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। देखो सेटअप का मतलब क्या होता है, एक कारण होता है। अगर आप सी साइड का ट्रेड ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, अगर आप पी साइड का ट्रेड ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो। मार्केट को जहां जाना मार्केट वहीं जाएगा, कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण आपको मिल रहा है ना कि भाई मैं यहाँ पे सी साइड का ट्रेड क्यों ले रहा हूं। मैं अक्सर अपने चोर सेटअप के ऊपर काम करता हूं, आपका भी इसी प्रकार से कोई ना कोई सेटअप हो सकता है। और सेटअप भाई आपको भाई मैसेज आते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा चोर सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, 30,000 का कैपिटल है आपको यूज करना है, हर दिन आपको ओनली फॉर 1500 रुपए का प्रॉफिट बुक करना है आने वाले 200 दिन तक। अगर आप प्रॉपर सेटअप फॉलो करते हो, प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करते हो, अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो भाई 200 दिन आप ईमानदारी के साथ अगर ट्रेड करोगे ना कि भाई ये मेरा पहला और आखिरी ट्रेड है, हर दिन आपके माइंड के अंदर यही वाली सोच होनी चाहिए, तो आने वाले 30,000 का जो कैपिटल है हर दिन दो। आप 30,000 से भाई अगर मैं कहूं कि आपको 30,000 से आपको ना 7,000 कमाना है, 5,000 कमाना है, तो वो मतलब एक ना बड़ा मुश्किल काम है, एक बड़े पॉइंट कैप्चर करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर मैं कहूं कि ओनली फॉर 1500 रुपए का प्रॉफिट बुक करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो। मान के चलते कोई स्ट्राइक प्राइस है जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 रुपए। भाई 50 रुपए वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप 500 क्वांटिटी लेते हो, मतलब 25,000 का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे होगा, और अगर वो स्ट्राइक प्राइस जो 50 रुपए वाली जो स्ट्राइक प्राइस है अगर वो 3 पॉइंट भी बढ़ती है, तो भाई 3 पॉइंट बस ओनली फॉर 3 पॉइंट भी बढ़ती है, तो आपको वहां पे 1500 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिलता है। आने वाले 30,000 का कैपिटल आने वाले 200 दिन तक अगर आप सेम रूल को फॉलो करते हो तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो बन जाता है आपका 3 लाख के आसपास।
सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, यहाँ पे 30,000 का कैपिटल किस प्रकार वो आंखों के सामने देखते देखते वो 3 लाख पहुंच गया। इसके साथ आपको एक पॉइंट आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा भाई, स्टॉप लॉस। ऐसा तो होगा नहीं भाई, आप 200 दिन मार्केट में ट्रेड करोगे सारे के सारे ट्रेड आपके ठीक जाएंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो 30,000 का जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको 2,000 से लेके 2,500 रुपए से ज्यादा आपको स्टॉप लॉस नहीं देना चाहिए। मतलब आखिर मतलब आपको निकलना तो चाहिए यहाँ पे 1,800-2,000 के आसपास, लेकिन ये आखिरी है, मतलब इससे ज्यादा लॉस होना ही नहीं चाहिए। आपका स्टॉप लॉस हुआ है, आप मार्केट को स्टॉप लॉस दो, उसी दिन अपने लॉस को रिकवर करने की मत सोचना। कई बार क्या होता, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मुझे 8 लाख रुपए का लॉस हुआ था ना, तो भाई मुझे ऐसे ही अपना लॉस नहीं हुआ था। आप मानोगे नहीं भाई, मुझे एक बार 6,000 रुपए का लॉस हुआ था, 6,000 रुपए का लॉस रिकवर करने के चक्कर में सिंगल डे मैंने 80,000 रुपए का मार्केट में लॉस किया था। मार्केट ने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था भाई, मैं बहुत बड़ी गलती करता था। जो आपको लॉस हुआ है उस दिन आपको सिस्टम बंद कर देना चाहिए, फिर आपको अगले दिन ही फिर आपको मार्केट में आना चाहिए। तो लिख लो नोटबुक के अंदर, रूल फॉलो करोगे तो ही पैसा बनेगा, नहीं तो क्या होगा। रूल फॉलो नहीं करोगे, आंख बंद करके ट्रेड करोगे, कल भी आप यहीं पे थे, आज भी आप यहीं पे हो, 2 साल के बाद भी आप यहीं पे रहोगे। आपका जो भी लॉस है उसको रिकवर करने के चक्कर में जो आपकी गाड़ी है, आप वैसे वैसे मार्केट में आप घूमते रहोगे। ये हो गया आपको सेकेंड पॉइंट। अभी मैं तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे एक बेहतरीन पॉइंट है। अगर ये पॉइंट को अगर आप फॉलो करोगे ना, तभी जाके आप हजार जो लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, लाखों लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, उनसे आप हमेशा हजारों कदम आप आगे चलने वाले हो। 30,000 का कैपिटल है, आज ही आपने मार्केट में ट्रेड किया, अगर आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आपने अपना सिस्टम बंद कर दिया, तो कल आपको 32,000 के साथ ट्रेड नहीं करना है। जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो 2,000 रुपए से आपको किसी कंपनी के स्टॉक बाय करने पड़ेंगे। वो पैसा बाहर मत निकालो, अगर बाहर निकालना भी है तो 500 रुपए बाहर निकालो और 1,500 रुपए का जो प्रॉफिट है उसके आपको शेयर बाय करने पड़ेंगे। अगले दिन आप फिर ट्रेड करोगे 30,000 के कैपिटल के, हो सकता है आपको किसी दिन 5,000 का प्रॉफिट हो, 5,000 का प्रॉफिट हो, 2,000 रुपए आपको बाहर निकालने और 3,000 रुपए से आपको स्टॉक बाय करने। जिस दिन आप ट्रेडिंग के पैसों से बाहर निकालोगे उसको अगर हमारे लोकल मार्केट में अपना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप लोकल मार्केट में वो पैसा अगर यूज करोगे ना, तो भाई ये पैसा काम करता है। ये 500 रुपए ये भाई अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आप इस पैसों को जब बाहर निकालोगे लोकल मार्केट में यूज करोगे तो ये पैसों की वैल्यू है। और किसी दिन अगर आपने 1,500-2,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, अगर आपके माइंड में बार बार आ रहा है यार कि मार्केट में मूवमेंट आ रही है, मार्केट में मूवमेंट आ रही है, तो 2,000 को मैं 4,000 कर लेता हूं, जब भी आपका ओवर ट्रेडिंग का मन करे तो 500 के चार नोट आपको लेके आने चाहिए और 4 नोट को आपको फाड़ देना चाहिए भाई, तभी आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद होगी। 10 में से होगा क्या, 3-4 बार आप पैसा कमा लोगे ओवर ट्रेडिंग करके, लेकिन भाई अधिकतर बार 60-70% ऐसा होगा कि आपने जो पहले ट्रेड में प्रॉफिट किया था वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। रूल है, रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। तो धन्यवाद, और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना। रूल सिंपल है, लेकिन आपको ये नोटबुक में लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे, बड़ा मुश्किल है। रूल दिखने में सिंपल है लेकिन बड़ा मुश्किल है, आपको यहाँ पे कई सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और भाई मेरा सेटअप आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी भाई मैं हूँ, वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो लव यू मेरे भाई, और मैं आशा करता हूँ कि भाई तो उम्मीद मत हारो यार, सीखो सोचो समझो, और आपका आज नहीं कल नहीं तो एक दिन आप अपने एक अच्छे मुकाम के ऊपर बिल्कुल पहुंचोगे। लेकिन भाई यार, जो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा सीखेगा, मार्केट हमेशा उसी का साथ देता है। चलो भाई, लव यू मेरे भाई।